वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लिक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप आपका पैन कार्ड आपका LIC पॉलिसी में अपडेट कर सकता है। LIC के तरफ से शायद आपको मैसेज मिल गया होगा पैन कार्ड आपका LIC पॉलिसीज में अपडेट करने के लिए। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन करके आपको टाइप करना है LIC। टाइप करने के बाद आपका पहला जो लिंक मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होम, इसमें आपको क्लिक करना है। ये होम पेज का लिंक है। क्लिक करने के बाद आपका होम पेज देखने को मिलेगा। इसमें दो नया वाला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन चेकिंग पॉलिसी पैन स्टेटस। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसीलिए ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको तीन पॉइंट्स में थोड़ा ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसका पैन नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक हुआ है वही नंबर आपको इधर एंटर करना है। फॉर्म सबमिशन करने के बाद आपका सक्सेस बोल के एक मैसेज का रिक्वेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। ये पेज में आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स, आपको ऐसा वाला डिटेल्स भरना पड़ेगा जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID, पैन कार्ड नंबर, फुल नेम एज पर पैन, आपका पैन के अनुसार जो नाम है वो एंटर करना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर आपको जो इंटर करना है वो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ये फॉर्म थोड़ा ध्यान से आप फिलअप करना है। ये इसमें पॉलिसी नंबर आपको ऐड करना है। एक पॉलिसी रहेगा तो पॉलिसी नंबर पुट करके इधर ऐड पॉलिसी करना है। एक से ज़्यादा रहेगा तो सारी पॉलिसी एक एक करके इंटर करने के बाद ऐड पॉलिसी करके आपको पॉलिसी का सब डिटेल्स आपको इधर ऐड करना है। करने नीचे का ये चेक बॉक्स में आपको चेक मार्क लगाने का है। ये आपका कंसेंट है या आपका पैन नंबर और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का EKYC पर्पस आप कंसेंट दे रहा है बोल के इसमें आपको चेक मार्क लगाना है। उसके बाद आपका इधर कैप्चा देना है। कैप्चा इंटर करने के बाद गेट OTP इसमें आपको क्लिक करना है। गेट OTP इसमें क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पर एक OTP आएगा। ये पेज में आपका डिटेल्स, आप जो अभी एंटर किया है उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसका सेकेंड टाइम आपको वेरीफाई कर लेना है। पॉलिसी नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है, पैन नंबर, सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई करने के बाद इधर आपको OTP देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ऐसा एक मैसेज आपको मिलेगा, रिक्वेस्ट फॉर पैन रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड। कुछ टाइम के बाद आप फिर चेक करके लीजिए, आप जो पैन नंबर अपडेट के लिए दिया है वो LIC पॉलिसी के साथ अपडेट हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।